आराजी लाइन विकासखंड के पयागपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा के स्कूल बंदी के आदेश के बावजूद भी श्री प्रकाश इंटरमीडिएट कॉलेज में पठन पाठन का कार्य नियम को ताक पर रखकर करने का मामला प्रकाश में आया है। कोरोना संक्रमण एक बार पुनः वाराणसी में जहां अपना कहर बरपाना शुरू किया है, वहीं ठंड भी में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसके मद्देनजर सीएम यूपी व जिलाधिकारी वाराणसी ने समस्त इंटर तक के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी नियम कानून को ताक पर रखकर पयागपुर मोहनसराया मातलदेही में श्री प्रकाश इंटरमीडिएट कॉलेज में पठन पाठन धड़ल्ले से संचालित हो रही है, जिसका वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। गुरुवार सुबह सैकड़ों बच्चे विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करने गाड़ियों, साइकिल व पैदल जाते नजर आए। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बताया गया कि कोई भी बंदी की जानकारी विद्यालय द्वारा नहीं दी गई है। विद्यालय प्रतिदिन खुलता है। विद्यालय खुलने के बाबत विद्यालय प्रबंधन का कहना रहा कि वार्षिकोत्सव की तैयारी के लिए बच्चों को विद्यालय बुलाया गया है। बंदी के बावजूद विद्यालय चलना और शिक्षा विभाग को भनक तक नहीं लगना, यह बहुत बड़ी लापरवाही है। वही इस बाबत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी राकेश सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी आराजी लाइन राम टहल का कहना रहा कि अगर बंदी के बावजूद विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है तो यह गंभीर प्रकरण है, संबंधित विद्यालय के खिलाफ जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।